वेलकम टू मौजे फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, दिमाग का एक भाग है एमिगडाला। अगर वो दिमाग से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, आए जाने। एमिगडाला आपके ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम का ही भाग है। लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशंस यानी कि भावनाएं और बिहेवियर यानी कि व्यवहार को निर्धारित करता है और आपके अच्छे बुरे अनुभवों को याद रखता है। और ऐसी कोई पुरानी घटना याद रखते हुए आगे ऐसी कोई घटना आने पर सचेत करता है। और यही लिम्बिक सिस्टम दिमाग की, ऐसा माना जाता है कि दिमाग में सबसे पहले बनता है। एमिगडाला एक लिम्बिक सिस्टम का ही भाग होता है। डर और आनंद की अनुभूति को निर्धारित करता है। एमिगडाला कोई आतंकित या डराने वाली स्थिति को भांप के उत्तेजित हो जाता है और दूसरे अंगों को संदेश भेज के तैयार करता है कि सामने आने वाली परिस्थिति का सामना करना है या परिस्थिति से भागना है। और एमिगडाला हिप्पोकैम्पस के साथ मिलकर एक मेमोरी स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक यादी बनाता है, सूची बनाता है, जो पुराने अनुभवों को याद रख के नई परिस्थितियों में उसका उपयोग करता है, ताकि ऐसे दूसरे बुरे अनुभव से आपको गुजरना ना पड़े। इसीलिए एमिगडाला अगर दिमाग से निकाल दिया जाए तो कभी आदमी किसी भी चीज से डरेगा नहीं। फैक्ट नंबर टू, पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी लिखी होती है वो पानी की होती है या बोतल की, किसकी होती है? डेफिनेटली पानी की नहीं, वो एक्सपायरी बोतल की होती है, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट के बाद प्लास्टिक की बोतल धीरे धीरे अपना केमिकल पानी में छोड़ने लगती है, यानी कि जो पानी अंदर है और पानी को प्रदूषित करती है, कंटामिनेट करती है। और पानी इनडेफिनेट टाइम यानी सालों तक पानी को कभी कुछ भी नहीं होता, वो एक्सपायर नहीं होता है, अगर वो अच्छी तरह स्टोर किया जाए और अच्छे वेसल में रखा जाए तो पानी कभी एक्सपायर नहीं होता। क्योंकि बोतल ख़राब हो जाती है एक्सपायरी डेट के बाद, इसीलिए उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है जो बोतल की होती है, पानी की नहीं। फैक्ट नंबर थ्री, धमाल मूवी एक हिंदी कॉमेडी फिल्म थी, तो शायद आप सबने देखी होगी, जो 7 सितंबर 2007 में रिलीज हुई थी और उसके डायरेक्टर इंद्र कुमार और प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया थे। धमाल मूवी की कई अजीब बातें हैं, जनरली वो बातें कई दूसरी हिंदी मूवीज में होती नहीं है। जैसे कि पूरी मूवी में कोई लीड हीरोइन ही नहीं है, पूरी मूवी बिना हीरोइन के चलती है। दूसरा, उसके सब लीड रोल्स जो मूवी में काम करते हैं वो एक ही ड्रेस में पूरी मूवी ख़त्म कर देते हैं। और तीसरा, पूरी मूवी गोवा में शूट हुई है, गोवा की स्टोरी लाइन है, मगर उसमें एक फेमस सेंट सेबास्टियन गार्डन है जो उसमें दिखाया गया है, एक्चुअली वो गोवा में है ही नहीं। बोनस फैक्ट नंबर फोर, आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा ये एक ऐसा शब्द है जो हमने कई बार सुना होगा, किसी मैजिशियन के मुंह से या बच्चों को खेलते हुए या कोई टीवी सीरियल। मगर आबरा का डाबरा है क्या? आबरा का डाबरा एक ऐसा फ्रेज है जो कहावत है, और उसका मतलब हिब्रू में ये होता है,
आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक, यानी कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, यानी कि आबरा का डाबरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड क्लिक नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।